सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह की लगभग 9 बज रही है और आज का मौसम काफ़ी सुहावना है, अच्छी धूप खिली हुई है और आजकल ना शायद रामपुर की साइड ना रामपुर के जंगल में आग लगी हुई है तो हल्का हल्का धुआं भी आ रहा है इधर की साइड। दोस्तों ना आज हम घर ही में हैं, नाश्ता वगैरह भी हो गया है और आज हमारा ना घर में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मेहनत भरा काम है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि हम जा रहे थे गांव की साइड हल्दी निकालने के लिए, तो हम वहां से हल्दी को लेके आए, फिर घर में एक जगह पे रखा, फिर उसके बाद हमने जो जड़ें होती है ना जो हल्दी की तो उसको काटा, फिर हल्दी एक साइड की और हल्दी का जो मतलब जो जड़ें होती हैं उसको एक साइड की, मतलब कबाड़ एक साइड और हल्दी एक साइड की, फिर उसको हमने पानी में धोया, फिर उसके बाद हमने बॉयल करने के लिए रखा। तो एक दो दिन लगे हमें उस काम को करने में। वैसे मम्मी लगी हुई थी, मेरे तो एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे सेकेंड ईयर के। बाकी आज ना हमारा वही काम इम्पोर्टेंट है, मतलब मेहनत भरा काम है, तो आप लोगों को बताऊँगी आज हम ना हल्दी का क्या करने वाले हैं। तो चलिए जी चलते हैं नीचे। हमारे घर के पीछे जो चट्टान है ना, तो अभी इधर की साइड धूप नहीं लगी हुई है, बाकी इधर की साइड तो धूप लग चुकी है। और यहाँ पे हमने कर रखी है, यहाँ छत में लकड़ियाँ स्टोर करके रखी हुई है और इसके ऊपर से बरसाती डाड़ की है, अगर बरसात लगेगी ना तो लकड़ियाँ गीली नहीं होगी, तो इसलिए हमने ये बरसाती बिछा रखी है। और इधर की साइड भी थी हमारी लकड़ियाँ, लेकिन अब वो खाली हो चुकी हैं, तो यहाँ पे सफाई वगैरह कर दी हैं और एक दो लकड़ियाँ बची हुई थी तो उधर की साइड रख दी है। आज हमारा जो इम्पोर्टेंट काम है वो है इस हल्दी की माला बनानी है हमने, तो मेरी मम्मी यहाँ पे माला बनाने पे लगी हुई है। और हमने पहले इस हल्दी को बॉयल किया, फिर एक दो दिन सुखाने, जैसे हमने बॉयल किया दूसरे दिन हमने धूप पे सुखाने के लिए डाली। वैसे अभी ना ये अच्छी तरह से सूखी भी नहीं है ये हल्दी, तो आज हम बनाएंगे हल्दी की माला, है ना मम्मी? हेलो, हरा हरा महादेव, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो हल्दी तो बॉयल कर दी हमने कल परसों, दो दिन लगे इसको धो के अच्छी तरह से और चूल्हे में बॉयल किए बड़े पतीले पर, और आज हल्दी की माला बनाएंगे हम। तो हल्दी जो बॉयल की तो देखो हल्दी ऐसी पीली हो जाती है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने हल्दी बॉयल क्यों की, तो मम्मी क्यों की? और इस पे ना हल्दी बॉईल करके ना इस पे काफी मतलब कलर आ जाता है ना मम्मी, कलर पीला कलर आ जाता है और कहीं प्योर पियर कलर आ जाता है। का कमेंट था इतनी हल्दी का क्या करते हैं, तो ये हल्दी हर काम के लिए आती है, जैसे शादी ब्याह में मंगल स्नान के काम आती है और ये दाल के काम आती है, जो पिठाई होती है शादी में पीली वाली, तो इसलिए घर ही की हल्दी कूट के उखल से, और हल्दी भी एक औषधि है, और हल्दी और तिल अपने घर ही के शादी के काम सब कामों के, घर की हल्दी सब कामों में आती है। और घर की हल्दी जो है कई लोग तो दूध में हल्दी पाउडर मिला के भी पीते हैं, और जो लाभदायक होता है ना मम्मी, शरीर के लिए भी अच्छा होता है। जैसे पाँव लगाया तो लोग बोलते हल्दी तेल लगाओ तो उसका दर्द बहुत कम होता है, अब मेरा पाँव भी लगा तो मैंने घर की हल्दी जो कच्ची होती, ये तो बॉयल करी हुई है, जो कच्ची हल्दी होती मैंने वो नीचे किचन गार्डन से लाई, तो तेल में वो ही मैंने पाँव पे लगाई तो दर्द ठीक हुआ, सूजन नहीं आया। तो घर का जो है गोबर में उगाई जाती हर चीज़ें अच्छी होती घर की, और गांव में तो हर चीज़ से गोबर ही से उगाते हैं, खाद से नहीं उगाते। हाँ, हम मार्केट से खाद हैं क्योंकि हमारे ना किचन गार्डन में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा खाद है ना मम्मी बनी हुई, दुनिया भर के गाय भैंस पाले रखे हैं हमारे, जैसे बुग्याल में नहीं रहते वैसे पाल के। तो पहले के ज़माने भी यहाँ गाय भैंसों के लिए लोग यहाँ पालने के लाते थे, तो अब हम रेल में ऐसे बन रखे सब मोर बन रखे हैं, बहुत गाय भैंस रखी हुई। इस बार तो मम्मी की दो भैंस और एक गाय, इस हाल मेरी भी, मेरी तो पहले से रहती थी, दो बैल भी रहते थे जब ये छोटे थे इसके पापा, उस समय से भी रहते, मैं हमेशा रहते मेरी गाय भैंस बैल, तो बैल ऊपर में दे रखे इसके पापा के नानी लोगों को।
तो यहाँ पे एक चटाई पे यहाँ बाहर पे डाल के हमने हल्दी फैला के, ये देखिए हल्दी जब हमने वो करी थी, निकाली थी किचन गार्डन से, तब कैसी थी, और अब देखिए अब कैसी हो गई है। बॉयल करने से पूरा जो पीला प्योर कलर होता है वो देखिए बॉयल करने से आ गया है, और काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है हल्दी। कई लोगों को तो पता होगा क्या क्या काम आता है, चोट लगती है तो हल्दी लगाते हैं लोग, दूध में भी हल्दी को पीते हैं। तो मम्मी ने ना एक माला वहाँ पे डाल रखी है, ये देखिए पाइप पे, और एक माला यहाँ पे मम्मी ने बना दी है। और हम हल्दी की ना ज़्यादा बड़ी माला नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी माला ही बनाएंगे, लेकिन ये भी बड़ी हो रही है ना मम्मी। यहाँ पे हमने ला रखा है ये धागा, हो गया ये सूती का धागा है, और साथ में ये सुई ला रखी है, और मम्मी के पास ना इससे भी बड़ी सुई है, ये देखिए है ना मम्मी। तो चलिए जी अब मैं यहाँ पर हल्दी की माला बनानी स्टार्ट करती हूँ, और मेरी मम्मी चले गई है गौशाला गाय भैंसों को पानी देने के लिए और घास फूस डालने के लिए। तो अब मैं बनाऊँगी यहाँ पर हल्दी की माला, और अभी ना यहाँ पर धूप भी नहीं लगी हुई है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो अभी मैंने ना टोपी भी रख दी है, तो अब बनाते हैं माला। तो यहाँ पे मैंने भी एक छोटी सी हल्दी की माला भी बना दी है, तो ऐसी माला बनाएंगे हम छोटी छोटी सी। तो अब इस हल्दी की माला को ना मैं रखूँगी यहाँ पे, और ये ना सुखाने में तो आसानी होगी, जब धूप लगेगी तो इसको सुखाने के लिए डालेंगे, क्योंकि अभी ये ना अच्छी तरह से सूखी नहीं है। सबको पानी पिला के किचन गार्डन से सब्जी भी ला गई हूँ, और दिन के लंच बनाते हैं अब। और मोनिका तो लगी हुई है, और दिन का लंच बनाने का भी टाइम हो गया है, पता नहीं चला आजकल तक दिन का कब, 2 बज रही है, 12:00, 1 तो बज गई है। मैंने यहाँ पे ना इतनी हल्दी की माला भी बना दी है, और यहाँ पे अभी धूप भी नहीं लगी हुई है, और 12 भी बजने वाली है, और धूप अभी यहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ पे ना 1-2 बजे आती है धूप, और यहाँ पे ना ठंड के मारे ना हाथ भी जाम हो गए हैं। इतनी माला ना बाद में बनाऊंगी, पहले धूप सेकने चलते हैं। और मेरे भाई ने ना स्कूल का काम करने के बाद यहाँ पे खटाई भी बना दी है। तो मम्मी कैसी हो रही है खटाई? रोहित कैसे हो रही है खटाई? बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा तो अब ना खटाई का आनंद लेते हैं।
तो काफ़ी स्वादिष्ट हो रही है खटाई। तो हमने खटाई भी खा दी है और मम्मी तो आराम से लेट गई है और अब मम्मी की ड्यूटी है हल्दी की माला बनाने की और लंच बनाने का टाइम भी हो गया है। तो चावल तो मैंने इंडक्शन चूल्हे में चढ़ा रखे हैं, बाकी मैं यहाँ पे काट रही हूँ हरी सब्जी और हरी सब्जी में है मूली हो गया, पालक के पत्ते हो गया और राई हो गया और मूली के पत्ते। तो अब काटते हैं सब्जी को। हरी सब्जी भी मैंने काट के तैयार कर दी है, अब लंच बनाते हैं। और तड़के में मैं डालूंगी सरसों के दाने हो गया, धनिया के दाने हो गए, जीरा हो गया और भांग के दाने, तो यही डालूंगी मैं तड़के में। और तेल भी गरम हो गया है। तो दोस्तों मैंने लंच भी बना के रेडी कर दिया है। लंच में मैंने बना रखा है चौंसा का साग हो गया, साथ में है हरी सब्जी और कुकर में बना रखे हैं मैंने चावल। तो लंच भी बन के रेडी हो गया है और 2 भी बज गई हैं। तो फटाफट से मम्मी लोगों को लंच परोसती हूँ। तो चलिए जी, अब गर्मा गर्म लंच का आनंद लेते हैं। और पहाड़ी है सब कुछ, प्योर पहाड़ी है सब चीज़, घर का ऑर्गेनिक है। तो मैं यहाँ बाहर पे दूंगी मम्मी के लिए और मम्मी यहाँ पे हल्दी की माला बना रही है और यहाँ पे ना थोड़ी बहुत हल्दी बची हुई है, बाकी जो मम्मी ने जो हल्दी बनाई तो मम्मी वहाँ पे रख दी है और धूप लग रही है इन पे तो ये सूख जाएंगी। तो मेरी मम्मी ने ना शाम के टाइम इतनी हल्दी की माला बनाई, कुछ यहाँ नीचे की साइड है और कुछ यहाँ ऊपर की साइड है, तो इसको ना सूखने में, माला बनाने से ना सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी जल्दी सूख जाते हैं। तो बना दी हमने पूरी और सुबह से शाम तक 4 बजे तक उनकी माला बनाई और तब गौशाला का काम किया। घर का काम तो कभी पूरा नहीं होता है। और आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देवू, जय उत्तराखंड, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।